क्वेश्चन है, यदि वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। तो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान पहले निकालेंगे। तो ए का मान होता है 1, बी का मान क्या होगा, सामने माइनस है माइनस 6, सी का मान होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल देंगे। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, बी का मान कितना है माइनस 6, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट में करके रखेंगे। ए का मान है 1, तो होगा माइनस माइनस प्लस 6 अपान 1, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बटे ए। ठीक है, सी का मान कितना है 3, ए का मान 1, तो ये आ जाएगा 3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा 3, अल्फा प्लस बीटा का मान आया 6। अब ये जो दिया हुआ है हमको इसका मान निकालना है। तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये दोनों को लघुत्तम निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा इसका लघुत्तम आ जाएगा अल्फा बीटा, इधर इससे गुणा कर देंगे अल्फा से, इसको बीटा से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक सूत्र होता है, तो ये सूत्र है अल्फा प्लस बीटा पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये अपान अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 6, तो यह होगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का मान है 3, तो यह हो जाएगा अल्फा बीटा का मान